स्टूडेंट्स ऑफ प्लस टू क्लास, वी हैव डन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज सीड। आफ्टर सीड फॉर्मेशन फ्रूट एंड सम रिलेटेड टॉपिक, दैट इज पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस। Now, firstly, seed. What do you mean by seed? Seed is fertilized ovule. It is fertilized ovule. जब ovule यानी कि egg fertilized हो जाएगा, और आप इसको कह सकते हो ripened ovule, और it is the final product of sexual reproduction. जितना भी sexual reproduction हुआ है अब तक, उसका जो फाइनल रिजल्ट है वही क्या है, सीड है। अगर हम सीड की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, देन यू विल फाउंड दैट देयर आर थ्री स्ट्रक्चर इन अ सीड। सीड कोट और सीड कोट्स, सीड हैविंग वन और मोर कोट, दैट इज कॉल्ड सीड कोट, आउटर कवरिंग विच इज कॉल्ड एंड कॉटिलिडन। इफ मोनोकोट देर इज वन कॉटिलिडन, and if dicot it is two cotyledon, and the main part that is embryo. So now seed coat kya hai, when you will study ovule you will found there are integuments in the ovule, or ovule mein mostly two integuments hote hain, outer and inner. Then outer integument hai jo, ये बहुत सारी थिक लेयर होगी, कई सेल कई लेयर बनेंगी, डेवलप करेगा, और ये सीड का टेस्टा बनाएगी। आउटर की तरफ सीड में जो मेम्ब्रेन होती है, कवर होता है, इट इज़ कॉल्ड टेस्टा, और यही सीड को प्रोटेक्ट करता है। एंड द इनर इंट्यूबमेंट डेवलप होकर के टेगमेन बनाएगी। आफ्टर टेस्टा यू विल फाउंड द नेक्स्ट लेयर, दैट इज टेगमेन। और सीड कोट में जैसे ओव्यूल में एक माइक्रोपाइल होता है, इसी तरह से वो माइक्रोपाइल आगे चल के सीड के अंदर सीड कोट में एक पोर दिखाएगा। तो ये जो पोर है ये इस एक तरह से माइक्रोपाइल है, और सीड के अंदर में भी इसको माइक्रोपाइल ही बोलते हैं, तो इट इज़ माइक्रोपाइल। और इसका फंक्शन है ये ऑक्सीजन एंड वाटर का पैसेज के लिए इसका काम है, यानी कि जो सीड है जब उसको जर्मिनेट करना होता है तो वो उस वक्त उसको ऑक्सीजन की और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये माइक्रोपाइल के थ्रू ही वाटर एंड ऑक्सीजन जो है सीड के अंदर एंट्री करती है। जैसे कि आपने अपने घर में भी देखा होगा, जैसे आपके जो मदर हैं वो बहुत सारे ऐसे सीड घर में यूज़ करती हैं, तो उनको रात को वो पानी में भिगो कर रख देती हैं, तो सुबह को वो थोड़ा स्वेलन हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से हुए, वो माइक्रोपाइल में के थ्रू वाटर और ऑक्सीजन जाने की वजह से वो फूल जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉटिलिडन। कॉटिलिडन एक सिंपल स्ट्रक्चर है बिल्कुल, और इसमें कुछ जैसे लेग्यूम्स होती हैं, तो कुछ में ये कॉटिलिडन थिक हो सकते हैं, स्वेलन हो सकते हैं। स्वेलन क्यों है, क्योंकि इसमें रिजर्व फूड स्टोर होता है किसी किसी सीड के अंदर, जैसे लेग्यूम्स में, और किसी किसी में ये ड्राई भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियो के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इसके अलावा किसी किसी सीड के अंदर एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड पेरिस्पर्म। कुछ प्लांट्स हैं जैसे ब्लैक पेपर है, बीट है, उसमें न्यूसेलस अगर आपको याद हो, ओव्यूल का एक पार्ट था न्यूसेलस, तो वो कई बार उसका कुछ पार्ट रह जाता है सीड बनने तक, आफ्टर सीड फॉर्मेशन तक न्यूसेलस का सम पार्ट जो है वो रह जाता है, प्रसिस्टेंट हो जाता है, तो इस पार्ट को सीड के अंदर बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो ये था सीड की स्ट्रक्चर। इसके बाद सीड की इम्पोर्टेंस, सीड का क्या फ़ायदा है और कहाँ ये यूज़ होता है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड। सीड का क्या रोल है प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे लिए क्या फ़ायदा है इसका।
तो प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं प्लांट कैन यूज न्यू हैबिटेट ड्यू टू डिस्पर्सल। डिस्पर्सल आपको पता है सीड का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना डिस्पर्सल होता है। तो इसको क्योंकि सीड एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं तो इस तरह से वो एक ही जगह से बच जाते हैं वहाँ पे कंपटीशन से, तो वो नया हैबिटेट भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये सीड जो है एक तरह से एक प्लांट को दूसरी जगह कैरी आउट करने का एक अच्छा एक तरीका है। आपको पता है सीड के जो आउटर कवरिंग यानी कि जो सीड कोट होती है वो एम्ब्रियो को बहुत प्रोटेक्शन देता है। और बहुत सारे सीड तो ऐसे भी हैं, जब मैं आपको इसकी वायबिलिटी पढ़ाऊंगी सीड की, तो ऐसे भी हैं जो 10,000 ईयर्स तक भी सीड बिल्कुल एज इट इज़ रहते हैं और जर्मिनेटिंग की पावर को खोते नहीं हैं। तो इस तरह से वो हम चाहे नेक्स्ट सीजन के लिए या जितने भी लंबे समय तक हम इसे रख सकते हैं, तो इस तरह से हम उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी भी स्पीसीज को। दूसरा, ये जो हमारी जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, हमारा पूरा एग्रीकल्चर सीड पर ही बेस्ड है, क्योंकि हम सीड को ही क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। और दूसरी बात, ये हमारा बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि सीड एक प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ये आप अच्छे से जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होती है, तो जिसकी वजह से अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये इवोल्यूशन का भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरी बात, अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर हमें किसी भी स्पीसीज़ को अगर हमें ये लगता है कि ये स्पीसीज़ ख़त्म होने वाली है या डेंजर जोन में है, तो अगर हम चाहें तो उसके सीड को बहुत लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, यानी किसी स्पीसीज़ को बचाया भी जा सकता है। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ सीड। सीड से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, दैट इज़ डोरमेंसी। व्हाट इज़ द डोरमेंसी? जैसे सीड मैच्योर हो जाता है, जब सीड मैच्योर हो गया तब क्या होगा, तो ये सीड डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। और डोरमेंसी पीरियड में जाने के लिए इस सीड के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे जो वाटर कंटेंट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, उसका जो सीड का जो वाटर है वो ख़त्म हो जाएगा और सीड ड्राई हो जाता है, क्योंकि जितना मॉइस्चर होता है, जितना सीड के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो फंगल इन्फेक्शन का ज़्यादा इसमें थोड़ा सा डर रहेगा। लेकिन इसी वजह से, क्योंकि उसको डोरमेंसी में जाना है, तो वो वाटर कंटेंट रिड्यूस होकर के ड्राई हो जाता है। मोस्टली इसमें 10-15% मॉइस्चर होती है बाय इट्स मास, इसके किसी भी सीड के मास के 10-15% उसमें मॉइस्चर होती है, और जितनी भी इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्लोज डाउन हो जाएंगी और लगभग लगभग ज़ीरो पे हो जाएंगी, कि वो उनमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। जो एम्ब्रियो है वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा और इसी स्टेज को ही डोरमेंसी कहते हैं। क्या इसका कोई बेनिफिट है? यस, इट इज़ यूजफुल इन स्टोरेज ऑफ सीड फॉर लॉन्ग टाइम। अब जैसे अगर आपने कोई भी कल्चर किया है तो उसके जो आपको सीड मिले हैं, तो आपको पता है कि जो ये सीड है यानी जिसके सीड मैंने कलेक्ट किए हैं, तो ये नेक्स्ट सीजन में ही ग्रो करते हैं। कुछ क्रॉप हमारी ऐसी हैं, जैसे क्रॉप है हमारी, तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीजन चलती हैं, तो हमें नेक्स्ट सीजन तक उनको संभाल के रखना है, तो उसमें भी क्या है, ये डोरमेंसी हेल्पफुल होती है। और दूसरी बात, और भी अगर हम इससे भी ज़्यादा लंबे समय तक उसको रखना चाहें तो हम उसको अगर सेफ्टी रखें तो उसको हम रख सकते हैं। क्या ये डोरमेंसी कभी ब्रेक नहीं होती? नहीं, जब उनका अपना फेवरेबल कंडीशन आता है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है उनको अच्छा जितनी एडुकेट उनको यानी जितनी उनको चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिले, वाटर कंटेंट मिले, मॉइस्चर मिले और बिल्कुल एक सुटेबल टेम्परेचर मिले। हर एक सीड का अपना एक, हर एक प्लांट स्पीसीज के सीड का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए ये ऑक्सीजन, वाटर एंड टेम्परेचर, याद रखें यहाँ लाइट का कोई केस नहीं है, लाइट मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑक्सीजन, वाटर एंड टेम्परेचर, ये तीन चीज़ें बिल्कुल एडुकेट होने चाहिए, सुटेबल होने चाहिए, तब क्या होता है ये डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है और ये सीड जो है
डेवलप यानी जर्मिनेट करके सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो है ये सीड का पोर्शन खत्म हो गया है, लेकिन इसमें एक टॉपिक रहता है वायबिलिटी ऑफ सीड। नेक्स्ट, दिस इज द वायबिलिटी ऑफ सीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायबिलिटी? वायबिलिटी दैट मीन्स द टाइम पीरियड ऑफ सीड टू रिमेन अलाइव, यानी कि जितने सीड के बनने के बाद, मैच्योर होने के बाद, वो सीड कब तक अलाइव रहता है। अलाइव से सीड का मतलब है कि उसमें कब तक जर्मिनेट होने की एबिलिटी बचती है, उसको बोलते हैं उसकी वायबिलिटी। और ये प्लांट में बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जैसे कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जैसे मैंने इसमें दिखाए हैं, जैसे ऑक्सैलिस है, ऑक्सैलिस में फ्यू डेज के बाद ही जो सीड है वो उसकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर सीड को थोड़े दिनों के बाद अगर आप जर्मिनेट करना करवाएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। ऐसे ही जो बिर्च होता है वो केवल एक सीजन तक ही आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। 2 to 5 years जितने भी हमारी क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनकी वायबिलिटी ज़्यादातर 2 से लेके 5 साल की होती है, और फिर उसके बाद वो जर्मिनेशन के लिए फेल हो जाते हैं। 100 years पे एग्जांपल आता है ट्राइफोलियम का। 1000 more than 1000 years लोटस, more than 2000 years डेट फोनिक्स, more than 10000 years ल्यूपाइन। तो ये थी वायबिलिटी, जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है अलग अलग प्लांट्स में। और एक स्टार पॉइंट है, यानी कि एक स्पेशल बात है आपके लिए, फाइकस और ओरोबैंकी और स्ट्रेजिया स्ट्रिगा। फाइकस, ओरोबैंकी एंड स्ट्रिगा, ये 3 प्लांट ऐसे हैं, इनके जो फ्रूट होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फ्रूट ये प्रोड्यूस करते हैं, और इनके फ्रूट में 1000 से ऊपर भी सीड हो सकते हैं। टाइनी फ्रूट्स में बहुत छोटे छोटे हजारों सीड होते हैं। तो ये था सीड का टॉपिक, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्रूट।